इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मुकदमात के निपटाने की रफ्तार के हवाले से फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ट्रिब्यूनल्स ने 377 इंतखाबी पिटिशन्स में से 25 का फैसला किया है। सूबह पंजाब में 6 ट्रिब्यूनल्स अब भी गैर फ़ाल हैं। इसी बारे में क्या डिटेल्स हैं, बात करते हैं आतिफ भट्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ बताइए, रिपोर्ट में क्या इंकशाफात है? जी, आम इंतखाबात 2024 के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जारी मुकदमात की तफसील गैर सरकारी अदारे फाफन की जानिब से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 23 में से 11 ट्रिब्यूनल्स ने 370 इंतखाबी पिटिशनों में से 25 जो है उन पर फैसला सुनाया गया है। निपटाई गई 25 दरखास्तें कुल दरखास्तों का सिर्फ 7% है। पंजाब में 6 ट्रिब्यूनल अभी तक गैर फाल है। सुस्त रफ्तारी की वजह से दरखास्तें 6 माह से ज्यादा वक्त ले सकती हैं, जो कानून की खिलाफवर्जी है। कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन हलके के तमाम उम्मीदवारों के नाम और हासिल करदा वोट का गजट शाया करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आने वाले उम्मीदवार गजट नोटिफिकेशन के 45 दिनों के अंदर पिटिशन दायर कर सकता है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 142 के तहत दायर दरखास्त का फैसला होना लाजिम है। आप बता रहे थे।